हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल दी लेडीज आउट देयर। हैप्पी करवा चौथ सबको, न्यूली ब्राइड है जिसको 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, सबको हैप्पी करवा चौथ। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेडिशनल मेकअप लुक करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए, एंड आगे और भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हुए। तो प्रॉपर रेड आज मैंने वेयर किया है, गजरा लगाया है, बन बनाया है, आगे से क्रिम्पिंग की है, प्रॉपर रेडी हुई हूँ। चूड़ियाँ पहनी है रेड, क्योंकि मेरा आउटफिट है रेड। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, गिफ्टेड बाय माय मदर। एंड पहना है मैंने यहाँ पे मैट गोल्डन नेकलेस सेट, जो कि इस ड्रेस को बहुत अच्छे से एनहेंस भी कर रहा है, एंड मुझे बहुत चंकी नहीं चाहिए था। एंड दिस मेकअप जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज इसको लाइक जरूर करना, एंड प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबको रेडी होना है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखना। बहुत ही सिंपल लुक है, 5 to 10 minutes में आप रेडी हो जाओगे बहुत ही अच्छे से। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरा एक्सरसाइज कर लिया अच्छे से, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ पे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज, एंड मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड डे टाइम होगा, करवा चौथ वाले दिन पूजा का टाइम, तो आप सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। थोड़ा सा ही मॉइस्चराइजर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा केकी ना हो जाए मेकअप, इसलिए। तो नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर। प्राइमर मैं थोड़ा अच्छा लगाऊंगी क्योंकि हमारा जो मेकअप बेस है वो थोड़ा सा फ्लॉलेस लगना चाहिए, करवा चौथ लुक है तो उस हिसाब से। तो शुगर का ये बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर लगाऊंगी, एंड इससे मेरा मेकअप बेस बहुत ही स्मूथली ब्लेंड भी होगा। एंड थोड़ा ही लगाऊंगी, थोड़ा नहीं, क्योंकि प्राइमर अपने आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करता है, तो जैसे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं ना, थोड़ा सा पैचिनेस लगता है, वो नहीं लगेगा। एक स्मूथ बेस रेडी करने का जो हम टेक्सचर हमारा यहाँ रेडी हो जाएगा। इसके बाद ना मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का HD कंसीलर लगा रही हूँ। ये एक फुल कवरेज कंसीलर है, एंड ये करेक्टर का काम भी करेगा एंड कंसीलर का काम भी करेगा। जो मेरा शेड है ये है MN 30, आई थिंक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। गाइज दिस इज फुल कवरेज, अभी मैं आपको पूरा करके बताऊंगी ना, तो आप देखोगे कि यस ये फुल कवरेज है। मतलब जस्ट अभी अप्लाई कर रही हूँ, एप्लीकेशन में ही आप देख रहे होंगे कि ये कवरेज भी दे रहा है। तो मैं अपने पूरे फेस पे से लगाऊंगी, क्योंकि करेक्टर भी लगाती, कंसीलर भी लगाती, तो इट्स बेटर आप ऐसा एक ही प्रोडक्ट लें जो कि दोनों का ही काम करता है। प्ल्यूम का ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी, एंड ओ माई गॉड, एक तो ये ब्लेंड इतना अच्छे से होता है ना, सी हल्की सी अभी मैंने जस्ट हल्का सा डार्क किया है, एंड सी दी कवरेज बहुत ही अच्छी फुल कवरेज देता है। एंड आपको अलग से कंसीलर करेक्टर पैलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपके पास पैलेट है तो वेल एंड गुड है, आप पहले उसे फिनिश करो एंड उसके बाद आप ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी कवरेज देता है, एंड इसके ऊपर आप कोई भी अपना फाउंडेशन भी ब्लेंड करोगे ना, तो कवरेज तो मिल ही गई, बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। That's why I like this product. मुझे बहुत पसंद है ये HD का, ये HD कंसीलर ऊपर से, तो बहुत पसंद है मुझे इसका इनसाइड का ये कंसीलर। इसके ऊपर मैंने एक तो शॉर्ट वीडियो पे रिव्यू भी दिया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, मैं मेंशन कर दूंगी आई बटन पे, आप देख लेना। सी अब मेरी स्किन इवन टोन हो गई है, हल्का हल्का कहीं कहीं लग रहा है, वो मैं एक और बार लगाऊंगी, टचअप करूंगी तो वो हो जाएगा। तो इसके बाद मैं ये लगाऊंगी मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन, ये भी बहुत अच्छी कवरेज देगा, तो इसलिए मैं ज्यादा केकी नहीं करना चाहती अपने मेकअप को। ओवरऑल करवा चौथ लुक है, यस आप इसको ब्राइडल की तरह भी यूज मतलब लुक कर सकते हो, बट आई डोंट वांट कि ये केकी रहे, मेरे को एक स्मूथ बेस, सब कुछ स्मूथली मुझे चाहिए। तो मामाअर्थ का ये फाउंडेशन मैं लगाऊंगी, पूरे फेस पे मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी, एंड आपको धीरे धीरे ही ब्लेंड करना है। आपको बहुत तेज तेज करोगे ना, तो आपका जो पहले के जितने भी बेस है ना वो सब हट जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे हाथों से ही ब्लेंड करना है। एक अच्छी कवरेज मुझे मिल गई है, आप चाहे तो इसको और एनहेंस कर सकते हो थोड़ा सा और फाउंडेशन लगा के, बट मैं और फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसके बाद हम दूसरे कंसीलर्स भी लगाएंगे। सो मैं थोड़ा सा नेक पे भी लगाऊंगी, तो हमें नेक को नहीं भूलना है, हमें नेक को अलग नहीं दिखाना है गाइज। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर यूज करूंगी, ये मेरे टोन से एक शेड लाइटर है, एक या दो शेड, तो इससे काफी अच्छी कवरेज भी मिल जाएगी। एंड आपको जो जहाँ पे कवरेज
कम है ना वो सब कवरेज आपकी कवर हो जाएगी। तो हम आईज पे भी कर देंगे क्योंकि हमें अभी इसके बाद आई लुक ही करना है। तो ब्लेंडिंग अच्छी करनी है, धीरे धीरे करनी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट यस बहुत ही अच्छा लुक आएगा गाइज अगर आप इस तरह से मेकअप कर रहे हो। अगर आप कुछ ऐसा आउटफिट पहन रहे हो जो बहुत तड़कता भड़कता है, लाइक रेड येलो कुछ हॉट पिंक कुछ ऐसा, ऑफकोर्स क्योंकि ऐसे ही कलर्स वियर करना अच्छा लगता है करवा चौथ पे, है ना, थोड़ा से ब्राइडल शेड्स, तो आप इस तरह से लुक कर सकते हो। पहले आपको अपना बेस अच्छा करना है। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का कंटूरिंग पैलेट, इसमें ये एक लाइटर शेड भी है एंड एक डार्केस्ट शेड भी है। तो लाइटर शेड को मैं अपने अंडर आई सेट करने के लिए यूज करूंगी। ऑल राइट गाइज, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो फाउंडेशन के बाद कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। फाउंडेशन के बाद मैंने जस्ट कॉम्पैक्ट से अपना मेकअप सेट किया एंड ब्राउन स्मोकी आईज किया है मैंने। तो ब्राउन के ऊपर हल्का सा रेड शिमर दिया है सो दैट थोड़ी आईज पॉपअप लगेंगी। एंड उसके बाद मैंने लगाया है काजल एंड विंग आईलाइनर। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो ये कैसे हो गया बट आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो अब मैं लगाऊंगी लैशेस। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेड चेरी की लैशेस। सो आई एम बैक आफ्टर अप्लाइंग लैशेस एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा, जिसमें लेंथ भी है एंड वॉल्यूम भी है। तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम वाला पार्ट ही लेंगे क्योंकि लेंथ तो हमको मिल गई है अच्छी खासी, इवन वॉल्यूम भी मिल गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपनी शुगर कॉस्मेटिक्स का, मैं इसी से ही अपनी आईब्रोज को फिल भी करूँगी एंड कॉम्ब भी करूँगी। सो धीरे धीरे बेंगलुरु का ये पैलेट है जिसमें आपके एक साइड आई शेडोज है एक साइड फेस पैलेट है। तो इसी फेस पैलेट में से पहले मैं करूंगी थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग मिक्स हम करेंगे। एंड ये शेड तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा नोज पे भी करना जरूरी है। एंड इसी पैलेट में से हम ब्लश शेड लेंगे जो कि थोड़ा सा पिंकिश है और लेट्स सी कैसा लग रहा है, काफी नेचुरल है। यस काफी नेचुरल है। एंड इसी में से मैं हाइलाइटर शेड भी लूंगी। सो ये पैलेट काफी पिगमेंटेड है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैलेट है गाइस। एंड इसी में से हम हाइलाइटर शेड भी ले रहे हैं। दिखने में ये ब्रश उतना नहीं दिखता है बट व्हेन वी अप्लाई इट ना ऑन चीक्स ये बहुत ही शाइनी लगता है। ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में आई थिंक एंड अच्छा लग रहा है। या नॉट चंकी एट ऑल, बहुत ही सटल लुक लगेगा इसको लगा के। सो या बेस मेरा अच्छे से हो गया, मेकअप इवन पूरा अच्छे से हो गया। अब ना मैं मेकअप को सेट करने के लिए फेसेस कैनेडा का ये यूज करूंगी सेटिंग स्प्रे। इसके बाद हम लगाएंगे हमारा लिपस्टिक लास्ट पार्ट। सो इसको लगाने के लिए मेरे को अपने आईज को थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने लास्ट स्टेप ऑफ द मेकअप पे। फेसेस कैनेडा की अल्टीमेट प्रो ऑल टाइम प्रो, बहुत ही प्यारी सी वेलवेटी टच देगा। Hi guys, this is my final look. आप देख सकते हो। So this is the look for traditional करवा चौथ makeup look. I like it. मुझे ये makeup look बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे ये outcome, ये hair style with gajra, पूरा traditional look बहुत amazing लग रहा है। आप देख सकते हो मैं पूरा ही अच्छे से proper bridal कह सकते हो, newly bride की तरह ready हुई हूँ। I really like my makeup. गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। एंड ऐसे ही लुक्स एंड ऐसे ही कुछ ट्रेडिशनल आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी हॉल वीडियोस भी। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा लुक कैसा लगा गाइज। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज।